मारीना संदेश लाइव। नौजवानों के दिलों की धड़कन, जुल्म की भट्टी में तपते हुए लोगों के नाम, जो मलेशिया के युवकों जो फंसे हुए थे, आपने उनके बकायदा घर तक लाने की पूरी कोशिश किया, जो गवर्नमेंट का काम था, वो आज भैया ने ये साबित कर दिया। और एक ऐसा तमाचा शासन के मुंह पे मारा है, ये यकीनन आप वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हमारे बीच में वो मौजूद है, तशरीफ फरमा है और उनके स्टेज है। तमाम मैं दिल की गहराइयों से इनका स्वागत इस्तकबाल करता हूँ, बधाई देता हूँ। एक बार मैं चाहता हूँ कि पूरा मजबूत इस्तकबाल, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। चंद अशार से पेश करता हूँ, दरख्वास्त नाजा करें। तमाम मीडिया के बंधु यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, सबका सलमान घोष भी आप सबकी खिदमत में इस्तकबाल स्वागत करता है, जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं। पेश करता हूँ, सुनिएगा दोस्तों, आज का हकीकत शायर बयां कर रहा है अपनी शायरी के जरिए। वो पूरी तवज्जो के साथ मुलाजा करेंगे। राजू राय तुमसे ही शान रहनुमाई है। आज का ये पूरा मिसरा, पूरा शेर कैद कर लीजिएगा, फिर आज मौके की चीज पेश करता हूँ, सुने। अरे राजू राय तुमसे ही शान रहनुमाई है, कितने ही मरीजों की जान तू बचाई है। कुतुब भाई सुनेंगे। राजू राय तुमसे ही शान रहनुमाई आकाश का जो हालात है सुनेंगे, जो मलेशिया से युवक आए हैं, पेश करता हूं पूरी तवज्जो के साथ, मुलाजा करें। हे मलेशिया में जो उनके काम आए तुम, हे मलेशिया में जो उनके काम आए तुम, ना उम्मीद आंखों में, उम्मीद आंखों में आस भी जगाई है। राजू राय तुमसे ही शान रहनुमाई है। कसम खुदा की रात भर जग के लिखा हूं पूरी तवज्जो के साथ, एक एक शिक्षक की शिरकत चाहता हूँ। कुदूस भाई बहुत बतौर खास मुलाजा करें, हिम्मत से आदर करता हूँ, सुनिएगा। अरे घोष की उम्मीदों का दीप तुमसे रोशन है, घोष की उम्मीदों का दीप तुमसे रोशन है, तुमने सबके सीनों में ज्योति एक जगाई है। राज राय तुमसे ही शान रहनुमाई है। और ये भी गौर करें, चलते चलते आखिर हम किस जगह पे आ पहुंचे, चलते चलते आखिर हम किस जगह पे आ पहुंचे, पीछे है कुआं अपने आगे एक खाई है। राज राय तुमसे ही शान रहनुमाई है। सिलसिले का आखिरी शेर देखे कितना बेहतरीन है, बतौर खास नाजक ने जिला अध्यक्ष जी। राज राय ऐ सलेमान नेता ही नहीं है बस, राजू राय ऐ सलेमान नेता ही नहीं है बस, ये तुम्हारा साथी है, ये तो अपना भाई है। राजू राय ऐ सलेमान नेता ही नहीं बस, ये तुम्हारा साथी है, ये तुम्हारा भाई है।
करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भैया हमारा दिल पे हुकूमत करते हो। मैं पार्टी की तरफ से आप लोगों के बीच में आया हूँ। एक बहुत बड़ा मुद्दा था, मऊ के या उत्तर प्रदेश के अन्य जगहों के भी बहुत सारे बच्चों को ठग कर विदेश ले जाया गया था नौकरी के लिए मलेशिया में। और मुझे दो ग्रुप मिले, एक जो चाइनीज मैनेजमेंट के जंगल में थे, जिनके साथ बंधुआ मजदूर के तरह व्यवहार किया जा रहा था, कहा कुछ गया था वहाँ जाकर जंगल में केमिकल से घास साफ कराया जा रहा था, उनको प्रताड़ना किया जाता था, जो हमारे बच्चे खुद अपने मुंह से अपना दर्द बयां करेंगे। तो जब एक बच्चे ने मुझे अप्रोच किया, मैंने वीडियो मंगाया, इसका एड्रेस मंगाया, सब कुछ मंगाया, तो मुझे यकीन हो गया कि बच्चे की समस्या सही है। और फिर मैंने विदेश मंत्रालय से, भारत सरकार से अपील करनी शुरू की, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं है, जिसका सबूत मैं भी आप लोगों को दूंगा। बारह जब ये बच्चे एम्बेसी हाई कमीशन में पहुँच गए, तो एक अरशद नाम का लड़का मुझे संपर्क किया, इनका टूरिस्ट वीजा होता है, जाते ही इनसे जो बताया गया कि एयरपोर्ट पर इनके पासपोर्ट ले लिए गए और इनको नाई की दुकान पर, यहाँ एक कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कंपनी नहीं, कोई कुछ नहीं, एक एक दुकान पर रख दिया गया, पासपोर्ट छीन लिया गया। लड़के जब भागना चाहे तो इनको पकड़ कर मारा गया, पुलिस से भी मिली भगत थी। और मैंने इनको फिर अपने मित्र के साथ जरिए, क्योंकि हाई कमीशन ने फिर जब मैंने अप्रोच किया तो बोले जब हमारे यहाँ पहुँच जाएंगे तब हम इनकी मदद करेंगे। अब बताइए, जो हिंदुस्तान के पासपोर्ट पर लिखा रहता है कि विदेशों में आपकी सुरक्षा की गारंटी है, जो हमारे देश के गरीब बिना पढ़े लड़के विदेश में फंसे हुए अपराधियों के चुंगल में, तो उसको छुड़ाने की जिम्मेदारी सरकार की है या राजीव राय की है या आपकी या मेरी है? मैं मीडिया के साथियों को बहुत आभारी हूँ, इन्होंने आपने इस राय में साथ दिया। मैंने अपने एक मित्र के जरिए इनको वहाँ गाड़ी भेजकर रात को भगवाया, वहाँ से होटल में रखा, अगले दिन मैं एम्बेसी में ले गया, जैसा कि मैंने आपको पत्र में दिखाया। कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। मुझे उम्मीद था कि ये सरकार जो प्रवासी मजदूरों के नाम पर 100 करोड़ रुपया खर्च दिखा रही है, शायद इसीलिए होगी कि प्रवासी मजदूरों को घर पहुँचाएगी, लेकिन सरकार ने साफ मना कर दिया कि जब तक तुम लोग पैसे नहीं दोगे तब तक हम तुमको नहीं भेजेंगे। दो तीन मुद्दे हैं यहाँ। बार ठीक है, जो पैसे नहीं है उन बच्चों के लिए जो चाइनीज कंपनी में थे, मैंने बोला मैं पैसे देता हूँ। मलेशिया आने जाने का सामान्यतः किराया 15-16-18 हज़ार होता है, लेकिन ये वंदे भारत मिशन जो सबसे बड़ा घोटाला है, मैं आरोप लगा रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ, देश को लूटने वाला घोटाला वंदे भारत मिशन, जो प्रवक्ता और सरकार चैनलों पर आकर छाती पीट पीट करती है कि इतने मजदूरों को ले आए, ये मजदूरों से भी लूटने का एक जरिया है, आपदा में अवसर बुना रही है सरकार पैसे लूटने के लिए। एक लड़के का 1150 रिंगिट मतलब 21,000 रुपया वहाँ से सिर्फ एक तरफ का आने का किराया वसूला गया। और जो पांच लड़के जिनको मैं अपने व्यक्तिगत संबंधों से वहाँ से भगाकर हाई कमीशन में पहुँचाया, हाई कमीशन का अधिकारी फोटो के साथ मेरे कहने पे एक्नॉलेज करते हैं, और इसमें आप पढ़ेंगे कि इन्होंने लिखा है कि दिस फाइव इंडियन नेशनल्स विजिटेड हाई कमीशन टुडे, दे हैड कम टू मलेशिया एंड टूरिस्ट वीजा एंड वेयर चीटेड बाय देयर एजेंट, हाई कमीशन इज प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन एंड ऑल पासपोर्ट असिस्टेंस टू देम, दे विल रिपैट्रिएटेड टू देयर होम्स इन इंडिया सून। ये खुद ही भारत सरकार, हाई कमीशन भारत सरकार है ना, एक्नॉलेज करती है कि इन लड़कों को टूरिस्ट वीजा पर लाया गया था, इनके साथ धोखा हुआ है, ये बच्चे हमारे पास हैं और जल्दी हम इसको वतन वापसी इनके घर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी इनकी होती है। जब हम लोग बहुत दिनों तक नहीं सुना, तो ये बोल रहे हैं कि आप जब तक राजीव राय से बोलो पैसा नहीं देंगे हम लोग तुम्हारा टिकट नहीं कराएंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। पहले इन्होंने बोला हम वाइट पासपोर्ट बनाएंगे। क्यों सर? वाइट पासपोर्ट बनाएंगे क्योंकि इमरजेंसी पेपर डॉक्यूमेंट होता है। हमने चलो उसके लिए अप्लाई कर दिया। उसके बाद एक दिन इन्होंने गुरुद्वारा में रखा था, एक दिन वहाँ की पुलिस पहुँच जाती है इनके पास कि रिपोर्ट करना होता है वाइट पासपोर्ट के लिए कि हमारे बच्चे आए हैं। लेकिन इनका जो साठ गार्ड नेक्सस की जो बात कर रहा था, वहाँ से शुरू होता है इनका साठ गार्ड, वो पुलिस पहुँचती है। पुलिस का काम है कि इनको रिपोर्ट करना कि इस देश के इतने लोग यहाँ शरणार्थी के रूप में इनको जाना है। वो जाकर जो इनको पकड़ कर रखे थे उन्हीं की तरफ से आरोप लगाते हैं कि पैसे लेकर वहाँ से भागे, पैसे लेकर भागे, ये गुनाहगार हो गए हैं। बिना वर्क परमिट के, बिना किसी वीजा के, तू जिसने नौकरी दिया वो ईमानदार है उस देश में, क्योंकि पुलिस
वाले मिले हैं। मैंने स्वयं पुलिस और से बात की, जो बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती थी, कोई सुनने को तैयार नहीं है। बच्चों ने आपस में पैसे जो इकट्ठा करके फिर उस दुकानदार को पैसे दिए, दोबारा ओरिजिनल पासपोर्ट आया। पासपोर्ट आया, हाई कमीशन रजिस्ट्रेशन कराना भूल दिया। 13 तारीख के पहले फैंटी थे झगड़ा करने पे, मैंने बताया एक बच्चे का अकाउंट में कहीं और पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। 19 तारीख वाले फ्लाइट में करवाया, मैंने हाई कमीशन के पास बच्चों को सौंपा था। हाई कमीशन एक्नॉलेज किया, हाई कमीशन के कहने पर अकाउंट में मैंने पैसे डाले टिकट के लिए। हाई कमीशन टिकट बुक करा के एयरपोर्ट पर भेजता है, वहाँ से जाने के बाद इन बच्चों का फ़ोन आता है कि हमको अरेस्ट कर लिया गया है एयरपोर्ट पे, और इमाइग्रेशन वालों ने अरेस्ट कर दिया। मैंने बोला अधिकारी से बात कराऊँ, क्योंकि हर जगह भाषा की समस्या आती है। मैंने उस अधिकारी से बात किया, बोला इन्होंने ओवर स्टे किया, उनके हाथ से फ़ोन छीन लिया। मैं हाई कमीशन में फ़ोन करने लगा, वही अधिकारी गायब हो गए। तब मैं एक हमारे मित्र हैं, इनके ABP न्यूज़ में विदेश मंत्रालय देखते हैं, उनसे बात किया। एक हमारे विदेश मंत्रालय में मित्र हैं, उनसे बात किया, और वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री मेरे जानने वाले थे, हर जगह फोन लगाया। भारत सरकार ने हाथ उठा दिया, जब किया तब हाई कमीशन से फ़ोन आता है कि आप बहुत फ़ोन करवा रहे हैं, बात कर रहे हैं उनसे, आप ट्वीट को डिलीट कर दिए। ट्वीट को डिलीट करने का मतलब मैं झूठ बोल रहा था। मैंने बोला ट्वीट को डिलीट नहीं करने दूंगा, जब हमारे बच्चे वहाँ से निकल के बैठ कर वीडियो से भेजेंगे कि मुझे कि उनका हो गया इमिग्रेशन, तब मैं लिख दूंगा कि हाँ बच्चे जहाज में बैठ गए हैं, क्योंकि मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। जब बाहर आते जब उतना हंगामा करने के बाद हमारे लड़के वहाँ गए और वहाँ से इन्होंने वीडियो भेजा, तब मैंने सर्टिफिकेट किया। मुद्दा ये है कि इस देश की सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है, पासपोर्ट की वैल्यू क्या है। विदेश में फंसे हुए मजदूर जिसको भारत सरकार स्वयं कहती है कि इनके साथ धोखा हुआ है और उनसे बोलती कि पैसे नहीं दोगे तो हम नहीं भेजेंगे, उस स्थिति में आप कल्पना करिए कि आप उन मजदूरों में से हैं, आप कहाँ जाएंगे, जिनके पास खाने को पैसा नहीं है। कुछ लोग जिनको भागे थे बोले कि सामान नहीं है, तो मैंने मित्र से सामान भिजवाया इनके पास, कुछ पैसे भी खाने पीने को हमने भिजवाया इनको वहाँ से। आप उनसे बोलिए कि दुगुना किराया देंगे, तो मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और विदेश मंत्रालय पर आरोप लगा रहा हूँ कि धिक्कार है ऐसी सरकार, धिक्कार है ऐसा मंत्रालय जो ऐसे पीड़ित बच्चों से फिरौती वसूलती है। ये फिरौती है, दुगुना किराया। आप होता है ना, आप धरना प्रदर्शन जाम में फंसे हैं, कर्फ्यू था, ऑटो वाला दुगुना किराया मांगता है, तो गैर कानूनी है। जब भारत सरकार और एयर इंडिया दुगुना किराया मांग लेकर उन बच्चों से जिनको स्वयं ही कहती है कि इनके साथ धोखा हुआ है और हमारे कब्जे में है, और पब्लिक प्लेटफार्म पर दावा कर दिए कि हम भेज रहे हैं, उनका सबूत मेरे पास, मैंने सारे सोशल मीडिया में जांच किया है, बच्चे भी बताएंगे कि मैंने पैसे दिए हैं, सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया है। दूसरी बात, आज मैंने SP से बात किया, उस दिन भी बात किया था, चूँकि SP का ट्रांसफ़र हो गया, ये बच्चे गरीब घरों के हैं, कर्जा लेकर कैसे कैसे गए हैं, जिनके पास तो खाने को ठिकाना नहीं था, कर्जा लेकर 60,000 1,00,000 कितना दिया तुम लोग, 50,000, कोई लड़का 1,00,000 बता रहा था, कोई 60,000 रुपया एजेंट को दिया है। अब उस पर दो मुद्दे हैं, एक ग्रुप है जो बॉम्बे के एजेंट को दिया है, तुम लोग बॉम्बे को दिए हो ना, और एक स्थानीय कोई जितेंद्र नाम का एजेंट है उसको दिया है। आप पुलिस उसमें कानून समझा रहे थे कि बॉम्बे वाले के लिए बॉम्बे में करना पड़ेगा। आप लोगों को पता है आजकल ये सुशांत और रिया वाले मामले में उछला था, 0 FIR, कुछ नहीं होता, तो 0 FIR रजिस्टर होता है, जहां आदमी पीड़ित है वहां रजिस्टर कराएगा और पुलिस ट्रांसफ़र कर देगी बॉम्बे। जी जो गरीब मुश्किल से वहां से आए हैं, यहां से बॉम्बे केस लड़ने जाएंगे। तो मैं मांग करता हूं आज आपके माध्यम से बच्चों की तरफ से, इसके बाद मैं बच्चों को भेजूँगा, मैंने SP से बात किया है, और FIR करके जिन एजेंटों ने भेजा है उनको जो आजकल NSA की कार्रवाई हो रही है, रिकवरी हो रही है, डिवालसिव कर रहा है, इस नेक्सस को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि बिना ऊपर के संरक्षण का जिस बदतमीजी के साथ बॉम्बे वाले एजेंट ने मेरे जैसे आदमी से बात किया, बोल रहा है कि आप कहीं भी अप्रोच कर लीजिए, हमारा कुछ नहीं होगा, तो बिना नेक्सस का नहीं हो सकता। आप लोगों के सहयोग से मैं इस मौके पर अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन के लिए आभारी हूँ, मीडिया के साथियों का खास तौर से आभारी हूँ कि जब जब मैंने आवाज उठाई आपने उस आवाज को ताकत देने का काम किया, और मैं कोई हिचकिचाहट नहीं है मुझे स्वीकारने में कि आप लोगों का अगर साथ नहीं रहा होता तो शायद इतना संभव नहीं था। जो आपने ये मुहिम चलाई है लोगों को बुलाने के लिए, तो इस तरीके से हजारों लोग अलग अलग देश में फंसे हैं, उनके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं भारत सरकार से, देखिए हम एक व्यक्ति की मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ
एक व्यक्ति की एक सीमा होती है। भारत सरकार के पास संसाधन है, स्रोत है, डिप्लोमेटिक चैनल है, सरकारी स्तर पर वार्ता हो सकती है। मेरे पास मेरे सोशल मीडिया, मेरे ट्विटर पर, मेरे फेसबुक पर, मेरे उसने अभी आजमगढ़ के कुछ लड़के ओमान में फंसे हुए हैं, सबका आ रहा है, आपने मुझे दिया है, इराक के और सऊदी अरबिया के लोग फंसे हुए हैं, मैं सबके लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रहा हूँ। आपने भी सहयोग दिया, लेकिन हमारी और आपकी सीमाएं हैं, हम उछाल सकते हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और खासतौर से मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं चाहता, लेकिन इतना जाहिल विदेश मंत्री, इतना निकम्मा विदेश मंत्री, आपको एक और बात बताना भूल गया, हाई कमीशन तो रिस्पांस देता रहा, पूरे प्रकरण में हमारे विदेश मंत्री ने बच्चों की शिकायत को, मेरी शिकायत को एक्नॉलेज तक नहीं किया। ऐसे विदेश मंत्री के रहते नेपाल अगर हमारे देश में आकर थप्पड़ नहीं मारेगा, क्या है? ऐसे विदेश मंत्रियों की हालत हमारी विदेश नीति में ये हो गई है, अब तो श्रीलंका ही बचा है आसपास के सारे पड़ोसियों में, एक दिन श्रीलंका भी आ जाएगा कि तुमने मेरे रावण को मारा था, हम तुझे बदला लेंगे। जब नेपाल आकर मार सकता है, बांग्लादेश आकर दिखा सकता है, पाकिस्तान था ही, चीन ही है, बस श्रीलंका बचा है। ऐसे विदेश मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। ऐसा विदेश मंत्री बाबू जो फाइलों में अटका हुआ है, जब से ये विदेश मंत्री बने हुए हैं, भारत की विदेश नीति कहीं दिखाई नहीं दे रही, हर फोरम पर आप मार खा रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि जो पत्रकार आपके लिए, साहब ने बताया है कि हमेशा आपकी आवाज को बुलंद करते हैं, ऐसे पत्रकारों पर शासन द्वारा और जनपद स्तर के प्रशासन द्वारा लगातार मुकदमा ठोका जा रहा है और पूर्ण रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, इनके लिए आप कुछ लड़ाई लड़ेंगे? मैंने एक दिन आपके आज तक चैनल पर मैंने कहा था, नागवार गुज रहा था, कि अभिव्यक्ति की आजादी पर चोट किया जा रहा है। पत्रकार अगर दाल में नमक पानी दिखा दे तो उसको जेल में डाल दो, घोटाला दिखा दे तो उसको अरेस्ट कर दो। पत्रकार चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, और इसका सीधा सबूत है कि सरकार प्रजातंत्र में भी यकीन नहीं करती, लोकतंत्र में यकीन नहीं करती, कि देश के भविष्य का निर्धारण शिक्षा नीति से होता है। शिक्षा नीति आने वाले भविष्य का निर्धारण करते हैं कि किस तरह की शिक्षा, किस तरह के युवा इस देश प्रोड्यूस कर रहा है। आपने कभी सुना, इतिहास में नहीं सुना होगा कि देश की पूरी शिक्षा नीति बदल जाती है और संसद में बहस तक नहीं होती है। चंद अधिकारी एक आदमी के इशारे पर बैठकर, और उस शिक्षा नीति पर भी मैं बात करूंगा, बैठकर कमरे में देश का शिक्षा नीति निर्धारण कर देते हैं, सांसद उस बात पर बहस नहीं होती है, और शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों को छूट दे दिया गया। आप एक तरफ बात करते हैं कि फीस ले रहे हैं, स्कूल बंद है, फिर भी फीस ले रहे हैं, स्कूल वाले अगर स्कूल फीस ले रहे हैं तो टीचरों को भी वो दे रहे हैं। सरकार की कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है, कि सरकार की सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है देश की संपत्तियों को बेच दिया जाए? जो विदेश से विश्वविद्यालय, विदेश से शिक्षण संस्थाएं आएंगी, सारे हमारे छोटे शिक्षण संस्थाओं जो गरीबों को मदद करती है, उनको बंद होना पड़ेगा और ये लूट कर ले जाएंगे। शिक्षा नीति पर बहस होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, पत्रकारों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, समाज के एक विशेष जाति विशेष के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये सब देख रही है। और ये अहंकार में सरकार है, भेष योगी का, भाषा गुंडों का, ये नहीं चलेगा, ये अहंकार ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। आप इसको लाइव दिखा सकते हैं, मुझे परवाह भी नहीं, मैं चैनलों पर भी बोल दिया हूँ कि मैं अपराधियों के खिलाफ बोलता हूँ, तो बड़े आत्मसम्मान के साथ बोलता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी थाने में राजीव राय के नाम शिकायत नहीं है। कल को योगी सीधे तौर पर आप कह रहे हैं कि योगी जी अपराधी, हर अपराधी का या हर सफल व्यक्ति का एक प्रेरणा स्रोत होता है। मैं भी अगर कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं तो किसी न किसी से प्रेरणा लेता हूं। तो जब ये अपराधी देखते हैं कि मेरे ऊपर जो आईपीसी की धाराएं लागू है, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पर भी लागू है, तो उनसे प्रेरणा लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपराधी है कि नहीं, ये जनता पर छोड़ देते हैं, लेकिन एक कड़वी सच्चाई है कि सारे आपराधिक धाराओं से सुसज्जित हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश ने देश के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं जो इनके ऊपर इतने सारे आपराधिक धाराएं हैं, और स्वतः ही अपने केसों को माफ करने का आदेश पारित करते हैं। ऐसा लोकतंत्र में आपने कहीं नहीं देखा। तत्काल सारे फर्जी केस आरोप वापस लेकर इस नौजवान साथी को छोड़ा जाए, नहीं तो कोरोना में भी बहुत ज्यादा दिन तक हम लोग इंतजार नहीं करेंगे। फिर शासन हमारे ऊपर आरोप न लगाएं, चाहे केस मुकदमा करना तो करता रहे। इस बात में सर मैं भी पूछ सकते हैं कि ये कहानी सुनाएगा ज्यादा जो राजीव राय जी ने जो बातें कहा है, सारी बातों से आप लोग सहमत हैं? जी, सब सही है। जी, सब सही है।
खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।